आज हम आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर आप लोगों को हम पूरा सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं, साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर ये भी एकदम पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी विषय का पेपर आने वाला है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग भाई क्लास को अंत तक कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2022 का सामान्य हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। देखिए 2022 में भी आपका सिलेबस 70% ही था, 30% रिड्यूस था वहाँ पर भी, और इस बार भी सिलेबस आपका 70% ही है, यानी 30% आपका रिड्यूस है। तो इस अगर आप मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो आप सभी लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए जो आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा उसमें आप सभी लोगों को खंड का और खंड खा, यानी जो आपका प्रश्न पत्र होगा दो भागों में विभाजित होगा, यानी विभाजित होगा। अब खंड का के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो जो सरस्वती पत्रिका है उसका जो प्रकाशन है वो आपका द्विवेदी युग में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भैया वो है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय जो पुस्तक के लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, याद रखिएगा। अगला गा पाठ देखते हैं। तो गा पाठ में यहाँ पर यह दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है। अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, तुम चंदन हम पानी। तो सभी विद्यार्थी इतना समझदार हैं कि अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप आपका जो कि पहला चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कविता क्या है। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अजातशत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी है, नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है। तो जो अजातशत्रु भैया है वो आपका एक नाटक है। किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। मैंने आप लोगों को ट्रिक से कई सारी रचनाओं को याद कराया है। जो अज्ञेय जी की रचना है सभी विद्यार्थियों को पता होगी, शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र में वो क्वेश्चन नंबर 2 में पद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं, निर्गुण काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के, प्रगतवादी काव्यधारा के, प्रयोगवादी काव्यधारा के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 निर्गुण काव्यधारा के। कबीरदास जो हैं वह निर्गुण काव्यधारा के क्या हैं, प्रमुख कवि हैं, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सगुण काव्यधारा को लगा के आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खापाट, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जो बिहारी दास जी ने अपनी रचना की है वो किस छंद में की है भैया, दोहा। दोहा छंद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दोहा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गा पाठ। नौका बिहार कविता किस नौका बिहार कविता का जो संबंध है वो किस नदी से। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है आपका यमुना, ऑप्शन नंबर 3 है सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 है घाघरा। तो जो नौका बिहार कविता है इसका जो संबंध है वो आपका गंगा नदी से है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। आपको बता दें कि छायावादी कवियों में प्रमुख 4 कवि कौन कौन से आते हैं। महादेवी वर्मा जी आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी आते हैं, निराला आते हैं और जयशंकर प्रसाद आते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 कवि जो होते हैं छायावादी होते हैं, लेकिन पूछा गया प्रश्न में प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि, तो तीनों को ऊपर वाले 3 आप छोड़ दीजिए, ठीक। बचे आपके कौन भाई, गिरिजा कुमार माथुर, ये आपके इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह दिया गया है कि आंसू काव्य में प्रधान रस है, करुण रस है, शांत रस है, वीर रस है, हास्य रस है।
आंसू में भैया हम बता दें आपका करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। वीर, हास्य और शांत, ये तीनों रस नहीं है आंसू में, करुण रस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा आपके पेपर में, वो मिलेगा कि जो गद्यांश आपको दो दिए जाएंगे उन गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन आता है वो भैया 10 मार्क्स का आता है, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी गद्यांश को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले एक बार प्रश्नों को ऐसे ऐसे देख लीजिए आप, जिसमें पूछा गया पाठ का शीर्षक, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, जन का मस्तिष्क क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको कुछ नहीं करना है, आ जाना है गद्यांश पर, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, उत्तर मिलते चले जाएंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है। अभी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, इसका उत्तर मिल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो जन की संस्कृत है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जो है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम राष्ट्र है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का है, तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि जो ये पाठ है, पाठ का शीर्षक जो है वो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से बिना पैसेज पढ़े हुए, बिना गद्यांश को पूरा पढ़े हुए मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, आप भी दे सकते हो, ठीक है, इससे समय आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। फिर लिखा है, मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कम्बंद मत रहे, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अबुद्धय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। आगे यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन ये था कि राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, राष्ट्र की जो वृद्धि है या विकास किसके द्वारा संभव है, आप देख सकते हो लिखा है कि संस्कृत के विकास और अबुद्धय के लिए राष्ट्र द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र का जो विकास है या राष्ट्र की जो वृद्धि है वो संस्कृत के विकास और अबुद्धय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि या विकास संभव है। इसमें पूछा गया था कि राष्ट्र का विकास या विकास का मतलब वृद्धि किसके द्वारा संभव है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग देख पा रहे हो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है, यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जन का मस्तिष्क क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप देखिए इसी में लिखा है, कहीं अलग नहीं गया जाना आपको, इसमें लिखा है कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको व्याख्या कर देना अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आगे देखिए अथवा में आप लोगों को एक और गद्यांश दिया जाता है, तो आप 2 में से 1 आपको करना रहता है। जैसे यहाँ पर गद्यांश जो दिया गया है इसमें बताया जा रहा है, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, ना जाने कितने धर्मचारों विश्वासों उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी है, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्तियाँ पाई हैं, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आप सभी लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, आप सभी को ये पता है कि जो ये चैप्टर है वो अशोक के फूल, यानी जो इसका शीर्षक हो जाएगा पाठ का वो अशोक के फूल हो जाएगा, अशोक के फूल नामक शीर्षक से ये क्या है लिया गया है, और अशोक के फूल के रचयिता कौन है भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो एक लाइन में आपको उत्तर देना कि पाठ का जो शीर्षक है वो अशोक के फूल है और लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे दिया गया है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है, इसी को पढ़ोगे इसी में उत्तर मिल जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है बड़ी निर्मम है, ठीक। उसके बाद दिया गया है मनुष्य ने नई शक्तियाँ किससे पाई हैं, इसी में लिखा है कि संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्तियाँ पाई हैं, मतलब आपने अगर गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उत्तर आप तुरंत दे दोगे। फिर लिखा है समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है, तो आपने अभी पढ़ा है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि संघर्षों से यहाँ पर लिखा है ना जाने कितने धर्मचारों विश्वासों उत्सवों और व्रतों को धोती बाती या जीवन धारा आगे बढ़ी है, और संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्तियाँ पाई हैं, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, तो हमारे सामने समाज का जो आज वर्तमान रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ये भैया आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो इसमें पूछा गया था कि समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आगे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी वो आप सभी लोग कर लोगे, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दो पद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को पद्यांश की व्याख्या आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पद्यांश की व्याख्या नहीं जानते हैं तब तक आप जो है प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हो। इसलिए पद्यांशों का अर्थ आप अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर पहला पद्यांश दिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली। यहाँ पर देखा जाए तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित आपका जो है पद्यांश है। सांद गीत के गीत दो भाग से लिया गया, गीत के दूसरे भाग से ये पद्यांश लिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि कविता का शीर्षक और काव्य का नाम। तो कविता का जो शीर्षक हो जाएगा सांद गीत के गीत दो भाग से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। इस तरीके से आप देखिए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप सभी लोगों की व्याख्या पर निर्भर करता है कि आपको आती है कि नहीं आती है। तो एक व्याख्या आपको करनी रहेगी। आगे चलिए, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं क्योंकि समय आप सभी के पास कम है। आगे यहाँ पर बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, कि कैसे आप सभी लोग किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अच्छे तरीके से मैंने बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय पूछा गया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय पूछा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय पूछा गया है। आपको मैं बता दूं कि देखिए 4 चैप्टर हैं गद्यांश में। अगर शुरुआत के 2 चैप्टरों के आप लेखकों के साहित्यिक परिचय तैयार कर डालते हैं तो एक साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 लेखकों को यहाँ पर दे ही दिया जाता है, तो आपके 4 है ही चैप्टर में। तो आप क्या कीजिए भाई, 2 को याद कर लीजिए कंटिन्यू, एक आ जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ पर बात करें और इस बार देखिए संभावना किसकी, वासुदेव सरण अग्रवाल की। और मैंने बहुत ही ट्रिक से आपको बताया है कि कैसे उनकी रचना याद कर सकते हो। जितने भी कवि या लेखक का मैंने आपको साहित्यिक परिचय लिखना बताया उसमें मैंने ट्रिक से उनकी कृतियों को लिखना बताया है, तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख। आप कवि में देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाव जी को पूछा गया, जयशंकर प्रसाद को पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त को पूछा गया है। इस बार प्रबल संभावना है महादेवी की। ठीक, तो महादेवी वर्मा की मैंने कृतियाँ आपको बताई, 10 कृतियाँ एकदम ट्रिक के माध्यम से लिखना बताया है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, बहादुर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वर्ष सार लिखिए। तो कहानी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसका सारांश आपको लिखना रहता है, तो उसका सारांश अपने शब्दों में आप अधिकतम 80 शब्दों में व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, पंचलाइट को जरूर तैयार कर लेना, इस बार प्रबल संभावना है। स्वपठित खंड काव्य जो भी आपका है उसको एक बार आप तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, आगे यहाँ पर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पर खंड खा को देखेंगे। इसमें आपसे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले आपसे देखिए ये पूछा जाएगा कि जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका किताब है उससे संस्कृत का एक गद्यांश का अनुवाद करने के लिए आपसे बोला जाएगा। आपको ये पहचानना है कि गद्यांश किस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक, और उसका हिंदी में अनुवाद आपको लिखना रहेगा, जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 मार्क्स आपको हिंदी अनुवाद के मिलेंगे। तो अनुवाद करना आपको आना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरल है और व्याकरण क्या सुनिश्चित है, मतलब इस तरीके से आपको व्याख्या करना है। संदर्भ में क्या लिखना है, ये किस चैप्टर से अवतरित, ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत महाशाया महत्वम नामक चैप्टर से या शीर्षक से क्या है अवतरित है। इस तरीके से इसका संदर्भ लिखना है, अगली हेडिंग आपको डाल देना है हिंदी अनुवाद और अनुवाद कर देना है। ठीक, अब अनुवाद आपको आना चाहिए, इस साल तो ये आएगा नहीं इसलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो संस्कृत का गद्यांश है वो इस बार आने की जो प्रबल संभावना है वो आपकी जताई जा रही आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा संस्कृत भाषा महत्वम, ये आप तैयार कर लेना। ठीक, जातक कथा 3 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आपको संस्कृत गद्यांश इन्हीं 3 चैप्टरों से देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखिए अथवा में भी एक गद्यांश आता है, उसके बाद एक श्लोक आता है, पद्यांश में श्लोक आता है। श्लोक आएगा आपका भैया सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से आपका 100% पद्यांश आएगा। दोनों पद्यांश यहाँ से आ गया, आप देख सकते हो लिखा है कि ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा इसे हरण कर सकता है, ना भ्रात भाज्यम ना चार ना चा भारकारी, ना इसे कोई भाई जो है वो क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है, बांट सकता है, और ना ये वजन है, भारकारी का मतलब ना ये भारकारी है। बे करते बढ़ते एवं नित्यम, मतलब व्यय करने पर ये लगातार रोज का रोज बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में क्या है, प्रधान है। उसके बाद अथवा में एक आया था सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी व तज्जेत विद्याम विद्यार्थी व तज्जेत सुखम,
सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए क्या विद्या, और विद्या चाहने वाले को त्याग देना चाहिए सुख। इस तरीके से आप सभी लोगों को इसका हिंदी अनुवाद लिखना है और संदर्भ में लिखना भी है, दोनों एक लिखना है आप, कोई एक लिखोगे संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है, उसके बाद आप हिंदी अनुवाद कर दोगे अच्छी रेटिंग में, ठीक है ना। आगे यहाँ पर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई भी आप वाक्य में उसका प्रयोग दिखा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जो आपसे आता है ये मुहावरे या लोकोक्तियाँ, इसका अर्थ बता दें, अक्ल का दुश्मन है, अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन का मतलब मूर्ख होना। गागर में सागर भरना, इसका मतलब थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात को कहना। हाथ पीले करना, विवाह करना, हाथ पीले करने का मतलब क्या हो जाएगा विवाह करना। मुंह फुलाना मतलब गुस्सा हो जाना, मुंह फुला लिया मतलब गुस्सा हो जाना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको संधि विच्छेद बहुत कायज नहीं पढ़ना, बस इतना आना चाहिए कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, जैसे छोटा आ छोटा का मेल होता है तो बड़ा बनता है, छोटा का बड़ा आ के साथ मेल होता है तो बड़ा आ बनता है, ये सब आपको जान लेना है बस। जैसे यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? देखो पुस्तक का इसमें देखिए एक जो स्वर है वो आपका छोटा आ है का में, और उसके बाद यहाँ पर बड़ा आ है, तो बड़ा छोटा मिलके क्या बनेगा भाई, बड़ा आई तो बनेगा, ये नियम आपको आता होगा, तो आप इसका जो है संधि विच्छेद कर ले जाओगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है जिसे तथेति है, ठीक, तो यहाँ पर आ धन इत जुड़ा है तब ए बना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे नायिका, तीन संधि विच्छेद दिए जाते तीन नंबर के, तो नायिका में नय धन आ ए धन आ मिलके क्या होता है या होता है, क्या लिखा नायिका, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे खा पाठ में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे एक शब्द रूप दिया जाएगा और उसकी विभक्त और वचन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो शब्द रूप भैया आप दो याद कर लीजिए, एक आत्मा का और एक नाम का, ये दो शब्द रूप याद करोगे यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे आत्मनी है, आत्मनी सप्तमी विभक्त और एक वचन होगा आत्मनी का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नामस कई बार आया सप्तमी विभक्त बहुवचन, ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर अगर बताएं तो अविराम है और अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना रोके और अविराम का मतलब होता है सुंदर, तो इस तरीके से आपको देखना है, क्रम से ही देखना है, पहले अविराम है फिर अविराम है, गलती नहीं कीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, सवर्ण का मतलब क्या होता है उच्च जाति। इसी तरीके से खा पाठ है, इसमें बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण सभी लोग जानते हो, कर्ण को क्या बोलते हैं कुंती पुत्र भी बोलते हैं, ठीक, और कर्ण को कान भी बोलते हैं, तो इस तरीके से इसके दो अर्थ हो जाएंगे। काल, काल का मतलब मृत्यु होता है और काल का मतलब समय भी होता है। अर्क, अर्क का मतलब सूर्य या रस जिसे आप जूस कहते हो, ठीक है ना। फिर गा पाठ में वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, जो जीता ना गया हो जा सके उसे अजेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अजेय बोलते हैं। उसके बाद अगला है रास्ता दिखाने वाले को हम पथ प्रदर्शक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे दिए गए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो इसे सही करके आप लिखोगे अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, ठीक है। आपको शुद्ध करके लिखना, इतना सब आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आगे आ जाएगा वीर रस और श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। देखिए वीर रस और श्रृंगार रस पूछा गया, इस बार करुड़ रस तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, आने की प्रबल संभावना है। करुड़ रस, वीर रस, श्रृंगार रस को अच्छे तरीके से तैयार कर डालिएगा, एक आ जाएगा। सलेश अलंकार और उपमा अलंकार, देखिए शब्द अलंकार के भेद और अर्थालंकार के भेद कायदे से एक एक उदाहरण सहित तैयार कर डालिए, एक एक यहाँ से आ जाएगा। दोहा छंद कुंडलिया, दोहा छंद या कुंडलिया छंद का लक्षण, इस बार सोठा या चौपाई आने की प्रबल संभावना है, कायदे तैयार कर डालिए। और मैंने आपको पत्र लिखना बता दिया है एक वीडियो में, तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको वहाँ पर पत्र लिखना आ जाएगा, ठीक है, और पत्र लिखना आ जाएगा। साथ ही में निबंध आप जरूर तैयार कर डालिए, निबंध में मैंने बताया है कि भारतीय किसानों की समस्या वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन में खेल का महत्व, और मैंने आप लोगों को कई सारे बताए हैं, जैसे मैंने कहा मेरे प्रिय कवि पर आ सकता है इस बार प्रबल संभावना, बेरोजगारी की समस्या इस बार आ सकती है जो कि प्रबल संभावना है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर डालिए, ठीक। बाकी निबंध है और लेटर यानी जो आपका पत्र आता है, ये सब आपको अपनी अभिव्यक्ति दिखानी रहती है हेडिंग के माध्यम से, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जो है पेपर में
प्रश्न देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये छोटी सी जो क्लास है समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।